तो चलिए हम लोग जो है आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एपी का हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना कर लिए थे, तो एपी का हम लोग कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2 का कितना क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था, ठीक है ना। तो देखिएगा कितना क्वेश्चन कर लिया था, तो हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.2 का फर्स्ट का जो टेबल भरना था वो पूरा हम लोग ने टेबल भर लिया, ठीक है ना। तो चलिए जो है अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड से स्टार्ट करना है, कहाँ से, सेकंड से, ठीक है। सेकंड में क्या गया, चूज द करेक्ट वे इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपीस, मतलब बताना है कि 30 टर्म हमें यहाँ लिख दे। सेकंड का है कितना है, बोला है कि 10 7 4 इस, मतलब इसका 30 टर्म कितना होगा, कितना इसका जो है यहाँ कितना दिया है 30 टर्म। ये बोला क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ, 30 टर्म की वैल्यू बतानी। तो 30 टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप क्या करिए, ए निकाल लीजिए, उसके बाद डी निकालिए, 7 - 10 आपका आएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद 30 टर्म की जगह ए 30 लिखिए, इक्वल लिखिए ए प्लस एन -1 × डी इक्वल टू लिखिए, ए की वैल्यू हो गई 10 और प्लस एन की वैल्यू 30 यहाँ हो जाएगी, एक कम हो जाएगा तो 29 होगा, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप मल्टीप्लाई करिए 10 और यहाँ माइनस में आ जाए कितना, 3 9 3 या 27, 2 कैरी, और यहाँ कितना होगा, 3 2 या 6, और ये कितना होगा 8 हो जाएगा, मतलब ये, और आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगा -77। यही आंसर आपका इसमें जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। और इसमें सेकंड पार्ट क्या है आप देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा, बुक का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या है दिया है, 11 टर्म ए पी इज, 11 टर्म ए पी मतलब -3 -1/2 एंड 2, कितना डैश है, 11 टर्म, कितना टर्म है टोटल, 11 टर्म है ये, कहाँ से लेके माइनस इतना से लेके 11 टर्म, इसमें बताना है 11 टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ये है, और डी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, -1/2 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आएगा कितना, -1/2, और यहाँ हो जाएगा +3, एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा 1, और यहाँ पे होगा +6। अब 0.2 सॉल्व वॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ये डी की वैल्यू है देखिएगा। अब क्या करना है हमको, 11 टर्म निकालना है, तो a11 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ -3 लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद कितना है 11, 11 में से यहाँ फार्मूले से 11 में से 1 सबट्रैक्ट होगा तो 10 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2 है, 2 से 2 काट देंगे इसको, 5 2 से 5 का 10 काटेंगे 5 आ जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस, यहाँ 5 5 25 25, और 25 में से 3 सबट्रैक्ट कर देंगे कितना होगा, तो 22 देखिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसमें जो भी ऑप्शन है उस पर हम 22 पे टिक मार देंगे। तो पहले में कितना था, सी है, पहले का ऑप्शन सी होगा, और दूसरे का ऑप्शन कौन सा है, तो बी है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है। तो ये हम क्या करें, इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं, थोड़ा समझने का टाइम है, तो आप समझेंगे तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद करिएगा, है पहले समझ के तब करना क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, क्या है अब क्या करना है, मिसिंग टर्म बॉक्सेस में, ये छोटा क्वेश्चन है पर बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 दिया है, फिर यहाँ बॉक्स में जो है कि मिसिंग कर दिया और बाद में लिख दिया 26। तो देखिए इसका मतलब यहाँ कामा दिया है, इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म ये रहा,
यहाँ सेकंड टर्म की वैल्यू नहीं पता और थर्ड टर्म की वैल्यू है 26, तो हम लोग अगर एक मिसिंग है बीच का तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको, x कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इतना कर लेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करना है, x को एक तरफ, ये x है, इस x को एक तरफ लाएंगे तो यह कितना होगा 2x, और ये माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो 28 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितना होगा, 28 में 2 डिवाइड कर देंगे तो 14 आ गया, तो हमारा ये वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस चेक करेंगे पता चल जाएगा, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, और फिर क्या होगा 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, मतलब सही है। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसी का क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है, इस बार दो मिसिंग है, पहला मिसिंग अगेन, उसके बाद कितना है 13 है, फिर सेकेंड मीटिंग है, उसके बाद फिर हमारा कितना होगा 3 हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो मिसिंग है, पहला और थर्ड वाला और लास्ट में। तो अब देखिएगा इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें दिख रहा है आसान है, पर ये इस आसान है नहीं, क्यों, क्योंकि ये हम इस सब समझिए, फर्स्ट टर्म का नहीं पता है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है फोर्थ टर्म है, फर्स्ट नहीं पता, सेकेंड पता है, थर्ड ही पता है। अब इसमें दो इक्वेशन बना लीजिए, जो जो पता उसको लेके इक्वेशन, कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का आप फार्मूला जानते हैं, ए प्लस कितना होता है डी होता है, इक्वल टू कितना यहाँ पे 13, पहला इक्वेशन बन गया। क्या करना है, सेकेंड टर्म का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस डी सेकेंड टर्म होता है, यहाँ वैल्यू दिया, लिखिए ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म का फार्मूला ए प्लस कितना होगा 3d हो जाएगा, इक्वल टू कितना यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड में से फर्स्ट, a प्लस 3d इक्वल टू कितना होगा 3, और यहाँ होगा a प्लस कितना होगा d इक्वल कितना होगा 13, उसके बाद यहाँ लगाइए और यहाँ माइनस 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 करिए, ये जाएगा कट, यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिएगा आएगा 2d, यहाँ पर आ जाएगा 2d, यहाँ पर आ जाएगा -10, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, -10/2 कटेगा तो आएगा आपका -5, तो देखिए डी की वैल्यू आपकी आ गई। अगर डी की आ गई तो एक ही निकालनी है, या इसी फर्स्ट में इक्वेशन में रख दीजिए और एक ही आ जाएगी, तो जब आएगा ए प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ रखिए ए माइनस कितना होगा 5 इक्वल कितना होगा 13, तो ए की वैल्यू कितना होगा 13 प्लस 5, तो D की वैल्यू कितना होगा 18 आ गया, देखिए 18 आ गया, पहला D की वैल्यू कितना हो गया हमारा 18। अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म तो 18 आ गया, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई, अब उसके बाद सेकंड टर्म पता है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म निकालना है, A3 जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे 13 - d लिख देंगे, मतलब 13 प्लस लिखेंगे, पर यहाँ पे -d की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 13 - d, जैसे ही करेंगे आपका आ जाएगा कितना 13 - 5, तो मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा 8, फिर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए लास्ट वाला मैच करके 3 आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, लास्ट वाला आप देखेंगे तो अगर आपका क्या करता है, मैच कर जाता है, कैसे मैच करेगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगला वाला तो 3 आ गया, मतलब सही क्वेश्चन है। ठीक है ना, आए समझ में, चलिए आगे नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं और क्या है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड का था 5 फिर डैश फिर 9 1/2, इतना जो है हमारे पास दो मिसिंग है, और इस बार फर्स्ट दिया है तो, और लास्ट तो यहाँ 1 2 3 4, तुरंत इसको लेंगे और लिखेंगे ए फोर्थ इक्वल टू ए प्लस 3d इक्वल टू, ये वैल्यू चेंज करिए 9 2 18, और ये 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो इसलिए हो गया ए की वैल्यू 5, और 3d इक्वल कितना होगा 19/2 होगा, इसको उधर ले जाएंगे 5 को तो 19/2 माइनस कितना होगा 5, तो 3d इक्वल कितना होगा, इसको उधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 19 - 10/2 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 3d इक्वल कितना होगा 9/2 होगा, इस 3 से 9 को काट देंगे तो यहाँ 3 जा जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 3/2।
टू, डी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3/2 डी की वैल्यू देखिए आ गई। अब क्या करना है देखिएगा, तो आप लोग इसको डी की वैल्यू को ले जाके हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमको निकालना है ना, तो ए सेकंड निकालना है ना, सेकंड तो क्या करेंगे 5 में ये 3/2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए थर्ड निकालना है, 13/2 में फिर 3/2 ऐड करेंगे, 16/2 हो जाएगा। फिर अगला चेक करने के लिए हम लास्ट पर रहते हैं, 16/2 में प्लस क्या करेंगे तो 3/2 ऐड करेंगे, कितना होगा 19/2 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला मैच किया, मतलब सही हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ देखिएगा, यहीं करते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन वही है सिर्फ फोर्थ। अब यहाँ देखिए कितना है इसमें, पहला टर्म दिया ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गायब है, और लास्ट में छठा दे दिया, सिक्स दे दिया है। टोटल कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में 4 मिसिंग और लास्ट में 1 दिया, मतलब ए दिया है और लास्ट वाला टर्म। तो सबसे पहले देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टर्म है, तो ए 6 इज इक्वल होगा ए प्लस 5 डी, ऐसे इक्वल कितना होगा, इसकी वैल्यू 6 रख दीजिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, ए की वैल्यू कितनी, -4, तो -4 इक्वल कितना होगा 5d, इक्वल कितना होगा 6 होगा। इस 4 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, इस 4 को उधर ले आए माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 10 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी होगी, 10/5, ये कट के कितना आ गया 2, d की वैल्यू तो 2 आ गई। जब d की वैल्यू आ गई तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी, कैसे आएगी, तो -4 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 + 2 -2 आएगा, और जब -2 + 2 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, अगला 6 आएगा। इसका मतलब सही हो गया, देखिए आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन नंबर 5th है, देखिएगा 5th क्या है, पहला मिसिंग 38, फिर उसके बाद कितना मिसिंग है, 3 और मिसिंग है, ये पहला, फिर ये 3, ये होगा 3, फिर लास्ट में कितना है -22 दे रखा है, मतलब ये है बीच का दिया है। अब इसमें देखिएगा, जब अगर फर्स्ट टर्म दिया होता है तो एक ही इक्वेशन में काम बन जाता है, बट अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा तो आपको दो इक्वेशन बनाने लगेगा। तो ये दो इक्वेशन के लिए देखिए कौन सा टर्म, फर्स्ट सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी लिखा जाता है इक्वल टू 38 लिख दिए उसकी वैल्यू, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना टर्म है ये 6, और 6 के लिए 1 प्लस कितना होता है 5d, इक्वल कितना है -22 है। इसको यहाँ रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे साइन चाहे जैसे चेंज कर दे कोई फर्क नहीं, यहाँ प्लस हो जाए ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है देखिए, नहीं ये नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा ये कटेगा, ये कट जाए ए से, और यहाँ कितना होगा -5d या d है, तो -5 में से कितना होगा -4d हो गया इक्वल टू, यहाँ प्लस हो गया तो पूरा ऐड होगा अभी ये दोनों, तो यहाँ कितना होगा 8 और 2 कितना होगा 10, 0 हो गया 1 कैरी, और यहाँ कितना होगा 6 हो गया, और d इक्वल कितना होगा, तो यहाँ प्लस में आ गया अपन, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाए 60 अपन कितना होगा -4 होगा, इसको इससे काटेंगे -15 आ गई, ये d की वैल्यू आ गई हमारी। जब d की आ जाएगी तो a चाहिए, बिना a के हमें वैल्यू आगे मिलनी नहीं, तो a निकालने के लिए इसमें रख देते हैं, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 38 और प्लस कितना होगा 15 इक्वल टू जोड़ लेते हैं कितना होगा 8 5 8 5 13 5 8 5 13 3 1 कैरी, और यहाँ कितना होगा 3 1 4 1 5 53। इसका मतलब है पहला हमारा वैल्यू कितना आ गया 53 ये आ गया, और दूसरा चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो 53 में से -15 कर दे, अभी समझ में आ जाएगा कि 38 आता है नहीं, तो यहाँ कितना 8 5 13 8 आ गया, यहाँ कितना 1 और ये 38, इसका मतलब ये सही है, मतलब ये सही। आगे निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो 38 है देखिएगा, अब हमें निकालना, पहला ए तो निकल गया कितना है 53 है, अब ए 3 निकालना है, ए 3 करने के लिए कितना है, तो 38 में -15 सबट्रैक्ट कर दे आंसर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे 223 आ गया, ठीक है। फिर अगला ए 4 निकालना होगा, तो 23 में से फिर 15 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 8 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। फिर यहाँ ए 5 लेना है,
तो 8 में से 15 सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला भी अगर लेना है, ए 6 निकालना है, तो अब माइनस 7 में से माइनस 15, देखिए 7 5 12, तो यहाँ पे 22, ये सही है। इसका मतलब जितना सॉल्व किया आपने एकदम सही सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डाउटेडली, कोई डाउट आपको नहीं हो। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आराम से आगे क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 20 टर्म ऑफ ए पी 3 8 13 18 इज 79। 20 टर्म ऑफ ए पी, कौन सा टर्म जो ए पी जो है 78 है, कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, कितना 3 8 13 18 डैश 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 इस 78, मतलब बोला है कौन से टर्म की वैल्यू जो है 78, किस टर्म की वैल्यू 78। तो हम लोग क्या करेंगे, यह नेट टर्म मान लेंगे। सबसे पहले लिखिए ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू होगी 8 - 3 = 5 है, और अब लिखें कितना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी है 78 है और ए की वैल्यू 3 है और एन माइनस 1 की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इधर इसमें लाएंगे तो 75 आएगा और यहाँ 5 एन माइनस 1 हो जाएगा। इसको 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, एन माइनस 1 इससे इसे काटेंगे तो कितना होगा 7 5 1 5 5 5 25, और एन इक्वल कितना होगा 15 में एक और ले जाकर जोड़ देंगे तो कितना होगा 16। देखिए ये हमारा वैल्यू आ गया कितना 16 आ गया इसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्न ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग, मतलब बताना है कि 7, 13, 19 और ये डैश 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 करके बता 205 में कुल कितने टर्म हैं। क्या दिया है कि कुल कितने इसमें टर्म हैं, कितने टर्म है किसमें, तो क्वेश्चन है 7, 13, 19, 200, मतलब ये लास्ट की वैल्यू दे रखा है, कुल कितने टर्म है, टर्म का मतलब यही जो यन निकाले यही फॉर्मूला लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए इक्वल टू 7 और डी की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 13 - 7 इक्वल कितना हो जाएगा भैया जी, तो ये हो जाएगा 6, है ना। अब क्या करना है, ए एन इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है 205 और ए की वैल्यू है 7 और एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू है 6, इतनी चीज़ें करनी। अब यहाँ से ला कर अगर इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 205 में से अगर 7 5 घटाएंगे 200 आएगा, फिर 200 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 298 हो जाएगा, और इक्वल यहाँ कितना होगा 6 एन माइनस 1। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 में हम क्या करेंगे 298 में 6 से डिवाइड कर देंगे, और कट गया तो डायरेक्ट 1 जोड़ के आंसर ले लेंगे। तो देखिए कितना होगा 6 3 6 12 6 6 24 6 25 30 6 4 24, देखिएगा कितना हो गया 6 4 24 आ गया, और बचा कितना 58 आ गया। ठीक है, तो कितना और जाएगा 6 4 6 36 अच्छा 8 6 9 54 6 7 60 गड़बड़ कर दिया, चेक करिए फिर से कहीं गड़बड़ी है क्या। ये हमारा वैल्यू है 205 7। आइए तो सबसे पहले 13 में से घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, तो ये हमारा हो गया 6 सही है। फिर यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 205 7 हो गया ए की वैल्यू, एन में से 6 हो गया। फिर इसको इधर लाएंगे तो हम लोग, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया भैया जी, क्या है कि ये 200 पार कर 198 आएगा, कितना आएगा 198। ठीक है, अब क्या करना है, 198 में जल्दी से आप 198 6 से डिवाइड कर दिए, तो 6 जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 6 3 18
देखिए सिक्स थ्री जा, सिक्स थ्री जा एटीन, कितना होगा थ्री जा आ गया, एक बज गया, सिक्स थ्री जा एटीन, और एक उधर ले जाके जोड़ देंगे तो थर्टी थ्री प्लस वन होकर कितना होगा थर्टी फोर। कुल कितना टर्म है इसमें, तो कुल टर्म इसमें कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं इसमें कुल कितना टर्म आया, थर्टी फोर टर्म है। कौन सा पचवा क्वेश्चन था, पचवें का पार्ट तो नहीं था, पचवें में दो पार्ट था, पचवें का ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है सेकंड पार्ट में कितना लाना है। सेकंड पार्ट में हमारा एटीन है, फिफ्टीन वन बाई टू है, उसके बाद थर्टीन है, और आगे कितना थर्टीन बाद डैश 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 है माइनस फोर्टी सेवन। इतनी चीज़ें हमारी क्वेश्चन में दे रखी है किसमें, तो फिफ्थ का सेकंड है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे 18, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे 15, वन बाई टू का मतलब हो जाएगा देखिए 30, 31 अपान टू माइनस कितना होगा 18 इक्वल 18 दूनी 36 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फाइव बाई टू आ गया। देखिए ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेंगे। ए एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस तो नहीं है, माइनस यहाँ पे जो डैश डैश उसको ध्यान में रखते हुए समझिएगा, ये माइनस है आपका, तो माइनस फोर्टी सेवन इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 18 है, प्लस एन माइनस वन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है तो माइनस फाइव बाई टू है। अब क्या करना है, इसको उधर ले जाएंगे, देखिए तो आठ सात कितना होगा 15, फाइव आ गया वन कैरी, और यहाँ आ जाएगा सिक्स, सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव इक्वल टू यहाँ कितना होगा एन माइनस वन और माइनस फाइव बाई टू हो गया, ठीक है ना। इतना इस फाइव से इसको काट देंगे तो कितना होगा 13 आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, और जब दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल कितना होगा 13 इंटू टू 26, 26 में एक और ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 26 प्लस वन इक्वल टू 27। देखिएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा 27। ये किसकी वैल्यू थी, तो ये हमारे है फाइव का जो है सेकंड था उसकी वैल्यू है। देखिएगा आराम से, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से देखिए क्वेश्चन सबका आंसर आ जाएगा, है ना। आप बस देखते रहिए और ध्यान से क्वेश्चन को समझते रहिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको सिक्स भी करके दिखाता हूँ। क्या सिक्स है, सिक्स है चेक माइनस वन फिफ्टी स्टेम अप, मतलब बताना सिक्स का क्वेश्चन 11 एट फाइव टू डे डेडस ये दिया है, और बताना है क्या माइनस वन फिफ्टी जो है इस टर्म का एपी का टर्म है कि नहीं, कितना। तो हम क्या करेंगे, इसका एन टर्म निकाल लेंगे। कौन सा बोला है, इसका पहले एन टर्म निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 11, डी की वैल्यू माइनस एट माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी जगह हम क्या ले लें, माइनस वन फिफ्टी ले लेते हैं, फिर इक्वल टू ए की जगह हो गया 11, एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी नहीं पता निकाल ली है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो माइनस 3 हो गई। फिर यहाँ इसको लाएंगे तो ये ऐड होगा तो यहाँ वन हो जाएगा, वन सिक्सटी वन इक्वल टू यहाँ कितना होगा माइनस थ्री एन माइनस वन, इसको इससे काट देंगे, फिर यहाँ डिवाइड ले जाएंगे सिक्सटीन वन अपान थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एन माइनस वन। अब डिवाइड करेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा थ्री फाइव जा कितना होगा तीन पच्चे पंद्रह, एक बज गया तो थ्री में देखिए डिवाइड नहीं जाएगा, इलेवन है, इसका मतलब थ्री टू जा कितना आ गया थ्री थ्री या नाइन, टू अपान थ्री इक्वल टू एन माइनस वन, तो कोई भी नंबर फ्रैक्शन इसीलिए नो होगा, ठीक है, मतलब इसका नो आंसर हो जाएगा क्योंकि 150 टर्म क्या होगा हमारा नहीं होता है। तो 150 टर्म होता तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता, कट जाता, ठीक है, क्या हो जाता कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी तब। पर अगर नहीं कटा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जो है इसमें जो है आपको नहीं कटना है, इसका मतलब है कि ये टर्म जो है एपी का नहीं है, ओके। तो चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से कर लिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे करते, ओके, चलिए थैंक यू।